ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में है, मैंने उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ, जो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी और सो एंड सो करके बहुत मुश्किलात में होते हैं, फंस जाते हैं एंड दे फेस टू मैनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ यू नो मिसगाइडेड बाय समवन और बिकॉज ऑफ द सिचुएशन विच इज़ यू नो दे आर नॉट रियलाइजिंग। तो उसके लिए मैं ज़रूरी है कि आप ये बात मेरे जहन यानी अपने जहन में रखना है कि मैं ये सारी चीज़ें बड़ी डीपली जो है ना रिसेंटली पास जो है ना देख कर आया हूँ कि जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और सबसे बड़ा जो है ना वो जाल भी है जिसमें हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी फंस जाते हैं बेचारे, जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और उसमें ये है कि बाद में ये पता चलता है कि आप जो है ना वो ऐसे जाल में फंस गए कि जिसमें आपके लिए निकलना जो है ना मुश्किल होता है। तो सबसे मैं पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप पाकिस्तान में करते हैं तो वो उसी तरह है कि जिस तरह आप गाड़ियों में अगर आप क्रोला लेंगे तो वो कैश चेक होता है, या मिसाल के तौर ऐसी गाड़ी लेंगे कि जो आप अगर 1 घंटे में चाहें बेचना चाहें तो वो आप बेच सकें, वो ये होता है कि कैश रूट होता है। बाज़ दफ़ा आप अगर बैरून मुल्क हैं और आप यहीं सेटल हैं, आपके पास यहीं की नेशनलिटी है तो आपको पैसे की ज़रूरत है और आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आप जो है ना वो बरसों लग गए बेचने में या बिकी ही नहीं आई, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी है, तो उसकी वजह ये होती है कि हर वहाँ पे इतना बड़ा फ्रॉड है। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड अगर कहें तो प्रॉपर्टी में और ये बिजनेसेस में पाकिस्तान में है, क्योंकि हमारा माशरे बिगड़ चुके हैं वहाँ पे, तो झूठ और धोखादेही और ये फ्रॉड से ही सारा जो है ना वो एक सिस्टम बना हुआ है। तो उस वजह से एक जो बेचारे शरीफ और ओवरसीज जिन लोग बिल्कुल जिनको पता ही नहीं होता है तो उसमें फंस जाते हैं। तो मैं आपको आज सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें आपको अपनी जो है ना अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस की वजह से बताऊंगा। तो कभी भी आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो दो ही एरिए, या बैरिया टाउन है पाकिस्तान में या डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी DHA, ये दो ऐसी सोसाइटियों के अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो है ना अपना नाम में भी किया हुआ है। तो इनकी जो जो एथेंटिक सिस्टम है जिसमें जो है ना ये सारी चीज़ें तो ज़्यादातर बचा रहता है, लेकिन ये है कि बाज़ दफ़ा अगर आपने इसके अलावा किसी और जगह इन्वेस्ट की है ना तो आप बहुत से मसाइल का, अभी मसाइल ये है ना मेरे दोस्तों कि मैंने ऐसे देखा है कि ऐसी आप अगर चाहें पाकिस्तान में तो वज़ीर आज़म हाउस को अपना बनाकर उस पर भी स्टे ले सकते हैं, उस पर भी वकील करके बड़ा सा तगड़ा वकील करें और वो आप क्लेम कर लें कि वज़ीर आज़म हाउस जो है ना मेरे दादा मेरे परदादा का था और इसमें जो है ना वो गवर्नमेंट ने बना दी, उस पर भी आपको जो है ना कम से कम 10-15 साल मिल जाएंगे। तो यही होता है हम और आपके लिए, और ऐसे ऐसे किस्से हैं कि मैं जो है ना मैं पाकिस्तान में जब था तो मैं हाउसिंग सोसाइटी में आई यूज़ टू गो एंड आई डिफरेंटली आई टॉक विद द सम पीपल। ये आपके नॉलेज के लिए, मेरा मकसद ये होता है कि खुद भी नॉलेज हो और ये है कि वो नॉलेज को शेयर आपके साथ करें ताकि आप जो है ना इस फ्रॉड दो नंबरी से बच जाएं और आप जो है ना वो अपनी मिसाल के तौर पर जो लोग बेचारे जो है ना मेहनत करते हैं मजदूरी करते हैं या कोई भी काम करते हैं, हम लोग जो है ना अपने कंट्री से आउट होंगे जितनी भी बड़ी पोजीशन हो तब भी हम सेक्रीफाई करते होते हैं। आप देखें घर से बाहर अपने ख़ानदान से बाहर सिर्फ अपनी फैमिली भी अगर इधर हो तो अकेला ही होता है बंदा, तो ये हम सेक्रीफाई सारी ज़िंदगी दे रहे हैं, ये लोग हमें लूट फ्रॉड कोई तो उधर पाकिस्तान से आकर इधर आकर लूटते हैं और कोई वहाँ पे लूटते हैं, और ये है कि हम और आप जो है ना वो सफ़र होते हैं और ये लोग जो है ना वो मिसाल के तौर पर ऐसे मदारी होते हैं ना कोई गुने चक्कर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी को लूट जाते हैं। तो ये है असल में आपको एक एरिया जिसको डिफेंस और बैरियर टाउन इनकी जो अगर आप देखें तो ज़्यादातर सेफ रहता है और इसमें जो है ना आप बाज़ दफ़ा इनके जो न्यू और बोर्ड ऐसी सोसाइटी में अगर थोड़ा बहुत आप ले लें तो इसमें बच सकते हैं, बाकी ज़्यादातर जो प्राइवेट होती हैं उसके अलावा होती हैं या बाज़ ऐसी होती हैं कि भाई ये लोग क्या करते हैं। अच्छा बैरिया टाउन और DHA में भी फ्रॉड होता है, DHA में बैरिया टाउन में फ्रॉड क्या होता है कि एक मेरे जैस जो मिसाल के तौर पर जिसको पता नहीं है तो वो कमर्शियल एरिया लेते हैं उसमें प्लाजे का झांसा दे देते हैं, तो फिर उसमें जो है ना प्लाजा बाज़ दफ़ा
ज़्यादा बुकिंग कर लेते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें, फिर बैरियटाउन से जो है ना वो कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि मिलकर जो है ना वो लोग जो है ना वो फिर पैसा आपका फंसा हुआ जी, प्लाट जो है ना कमर्शियल बनते बनते वो कितने साल हो गए, तो इसमें भी जो है ना बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि अगर बिल फर्ज अगर आप कोई ना कोई अगर कमर्शियल जो है ना वो फ्लैट बुक करते हैं कमर्शियल दुकान, तो इसमें आप मेक श्योर करें कि कौन सी कंपनी है और कौन सी कंपनी आपको जो है ना ऑफ़र दे रही है और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या मार्केट में है, बैरियटाउन में क्या है, और उसके लिए आप जो है ना बैरियटाउन और DHA से लेटर भी ले लें और इसकी एथेंटिसिटी के लिए जो है ना वो एक वो इशू करते हैं NOC, वो भी देख लें कि भाई ये कंपनी जो है ना, ताकि बैरियटाउन इट्सेल्फ देयर मैनेजमेंट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब इसके अलावा जो अगर आप फंसे तो ऐसे जाल में फंसेंगे कि आप जो है ना वो मेरे ख्याल में तुक्काबाजी से आप बिल्कुल अवॉइड करें। मुझे पता है बाद लोगों को तुक्का लग जाता है, लेकिन तुक्के से जो है ना आप अगर बिलफल यहाँ पे हैं और वहाँ पे देखें, आपको कभी 1 महीने 2 महीने जाना पड़ता है और उसमें आप कैसे वकील करेंगे, फिर जो है ना वहाँ पे हमारा माशरा ऐसे ही कि अपने रिश्तेदारों को भी देंगे तो उन्होंने भी जो है ना वो एक खाने का ज़रिया बना देना है कि भाई ठीक है वकीलों के पैसे दो, केस लगे हुए हैं, ये है वो है, या फिर वो तंग आकर लोग बेच ही देते हैं, तो तंग आकर वो जो पैसा लगाया वो भी जो है रिश्तेदारों को ही दे देते हैं कि यार मेरी तो जान छूटे तो अच्छा है। तो ये है हकीकत, इसको आपने देखना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तो आप डायरेक्ट DHA एंड डायरेक्ट जो है ना डिफेंस में अगर करेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत जो है ना आपको फ़ायदा होगा, और ये है कि अगर आप बेचते हैं तो फिर आपको जो है ना पैसे कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बार दफ़ा लोग कहते हैं जी प्रॉपर्टी इधर से ले ली उधर से ले ली, तो उसमें यह होता है कि रिस्क भी होता है। उसके बाद यह है कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे दोस्तों, अगर आपने एक प्रॉपर्टी ली और उसको आपने यूटिलाइजेशन ऑफ गुडविल ऑफ फॉर दी रिलीजन नहीं ली है, तो मुसलमान अगर हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि हर चीज़ का आपको जवाब दें। अगर आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो आपने दौलत, तो दौलत के बारे में आपको जो है ना ये नहीं है कि आपको, अगर आपने दौलत सिर्फ जमा करने के लिए रखी है तो इसको सख्त जो है ना गुनाह है। अगर दौलत आपने इसलिए कि भाई आप मैं ली है तो मेरे ख़ानदान के अलावा जो जो माशरे में सोसाइटी में कुछ मैं कंटिन्यू कुछ काम करता हूँ जिसका सदका हो रहा है, सदका जारिया हो रहा है, तो ये आपको फ़ायदा, वरना ये दौलत जमा करने का ऐसा मुसलमानों को और ऐसा हम लोगों को शौक है कि जिस वजह से हम ना दौलत हमें काम आती है और ना जो है ना दौलत हम उससे दीन कमा सकते हैं ना खुशी कमा सकते हैं, रिजल्ट ये निकलता है तो हम अपने आप की ज़िंदगी जो है ना अजाब में डाल कर और गुनाह और उसका बोझ लेकर दुनिया से जाते हैं। तो ये भी आपने अपने जहन में रखना है कि कोई भी दौलत है उसके लिए आपके क्लियर टारगेट ऑब्जेक्टिव होने के, इन्वेस्टमेंट आप किस लिए कर रहे हैं, फॉर व्हाट इज़ योर बेसिक यू नो लाइफ प्लान एज ए मुसलमान आपके क्लियरली होना चाहिए। मेरे दोस्तों हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने आपकी पहली वीडियो कहा था कि एज ए मुसलमान ये नहीं है कि आप कलमा पढ़ के यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूर एवरी कंडक्ट इन लाइफ, इवन यू आर गेटिंग द प्रॉपर्टी वॉट एवर। तो इसमें जो मौजू मैं आपको प्रॉपर्टी का था, तो दूसरे जो इन्वेस्टमेंट ऐसे है शेयर्स हैं, दूसरे ऐसी डॉलर्स अकाउंट है, इसमें भी ये है ना अच्छा है कि भाई वो भी हैं, लेकिन ये है कि रोलिंग इन्वेस्टमेंट हो जिसमें आपको फिक्स प्रॉफिट ना हो बल्कि वो अप्स एंड डाउन हो, जिसमें इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है ना वो यानी उसको सूद में ना आए, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट भी होती हैं। तो मेरी आपको मशवरा ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले महीने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यानी बाज़ लोग जैसे जाते हैं ना तो पहले महीने, जिस तरह आपने अभी शादी की है तो आपको हर चीज़ जन्नत ही नज़र आती है पहले, तो इसी तरह ये होता है कि भाई आप अगर बिलफर्ज जो है ना वो पहला महीना पाकिस्तान जाते हैं तो आप रियलाइज़ नहीं कर सकते। पहला महीना जब गुजर जाए, दूसरा गुजर जाए, कम से कम 2-3 महीने, तो फिर आपको थोड़ा सा कुछ इधर उधर का आपको आँखें खुलेंगी पता चलेगा, तो फिर आप अच्छा डिसाइड कर सकते हैं और फिर आप जो है ना लुकिंग एंड फर्स्ट आप सर्वे करें, कम से कम आप खुद ज़ाती तौर पर हर चीज़ का 15 दिन सर्वे करें,
हर अच्छे बुरे से बंदे से पूछें एंड यू गेट द आइडिया, देन यू स्टार्ट समथिंग प्रिसाइसली कि भाई ये जो कैश है मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसका मुझे रिटर्न में, एक तो दो चीज़ें आप याद रखना मेरे दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने मसाइल से जो है ना मसाइल में, मैंने ऐसे लोग देखे कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी कमाया लेकिन उनकी दौलत उनके काम, प्लाट लिया हुआ फंसा हुआ है, पैसा लिया हुआ फंसा हुआ है, किन्हीं के केस चले गए कि को क्या उनकी ज़िंदगी अजाब बनी हुई है। तो मेरे दोस्तों मैं इसीलिए आपको कि ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी आसान कर देंगी, स्पेशली ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं कश्मीरी हैं, कि आपने दो चीज़ें अपने जहन में रखनी है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट स्टक होती है, स्टक यह है कि भाई आपको आज पैसों की ज़रूरत है और आप वो बिक नहीं रही है, तो इसका मतलब है वो सही इन्वेस्टमेंट नहीं है, कभी ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये मैं अपनी ज़िंदगी का एक निचोड़ देता हूँ, नंबर एक। नंबर दो मेरे दोस्तों, ये इन्वेस्ट करनी है कि अगर आपको 1 लाख में 1,000 से ऊपर वो प्रॉफिटेबल, यानी अगर आप 20 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपये आपका किराया नहीं आता है, तो वो भी आपकी जो है ना इन्वेस्टमेंट जो है ना वो प्रॉफिटेबल नहीं है, और वो उसको कहते हैं कि वो आपकी जो है ना प्रॉब्लम सोल्यूशन वाली। मैं यकीन माने मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैंने यहाँ पे ऐसे लोग जो कहते हैं जीनियस, जो भाई पूरी पूरी कंपनियाँ चला रहे हैं, इतने बड़े जीनियस हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट लिहाज से मैंने देखा है इतने बड़े फंसे हुए, जिसने फलाने इतने करोड़ कर दिए, मिल कुछ ही नहीं रहा है, जो है ना वो बस मुलाजमों को तनख्वाहें बड़ी मुश्किल से दे रहा है। तो दिस इज समथिंग योर मेजर मिस्टेक दैट यू विल डू। तो इसमें आपने अच्छी स्ट्रेटेजी क्या करनी है कि आपने एक फार्मूला करना है कि अगर आप किसी एजेंट से मिलते हैं, वो पहली बात यह है कि कभी भी आपने बैरियर टाउन DHA के अलावा किसी एजेंट से बात की है, तो इसका मतलब है वो आपको ऐसा घेरेगा, ऐसे जाल में घेरेगा, ऐसा ख्वाब दिखाएगा कि ऐसी जन्नत दिखाएगा कि आप जन्नत के बजाय आप जन्नत में पहुंच जाएंगे और ऐसा फंस जाएंगे कि फिर आपकी ज़िंदगी जो है ना, आपका दौलत भी आपके लिए अजाब बन जाएगी। तो ज़रूरी है कि आप बैरियर टाउन DHA के डायरेक्ट जो है ना, डायरेक्ट जिनकी डायरेक्ट जो है ना वो बिज़नेस करते हैं, जिसमें वो डायरेक्ट प्लाजे बनाते हैं, डायरेक्ट जो है ना प्लाट देते हैं, डायरेक्ट घर बनाते हैं, ये आपके लिए सेव है। उसके अलावा जो है ना वो ज़्यादातर जो है मेरे दोस्तों मुश्किल ही होता है अगर आप पाकिस्तान में नहीं हैं और स्पेशली कुछ महीनों के लिए कभी कभी जाते हैं, तो इट इज़ नॉट सेफ फॉर यूर सेल्फ। तो दूसरी मैंने आपको यही बताया कि कभी भी ऐसी इन्वेस्ट ना करें कि जिसमें आपको जो है ना कैश जो ज़रूरत पड़े और आपको जो है ना मिले, यानी आप अगर चाहते हैं आज मुझे पैसा चाहिए और वो प्लाट है, वो बिल्डिंग है, वो आपका फ्लैट है, वो बिक नहीं रहा है, तो ये भी सेफ नहीं है। नेवर एंड एवर टेक एनी डिसीशन, आपका सक्का भाई भी कहता है ना, यू नेवर एंड एवर लिसन, मैं ज़िंदगी का निचोड़ बता रहा हूँ जिसमें आपकी ज़िंदगी जो है ना, ज़्यादातर मैंने ये ऐसे लोग देखेंगे दुखों भरी ज़िंदगी जब शुरू होती है, जब उनके साथ पैसा और उनके पास अपने रिश्तेदार धोखा करते हैं, अपने जो है ना अजीज़ के धोखा करते हैं, अच्छा अपने दोस्त धोखा करते हैं, अच्छा कोई भी हर बंदा फंसाने के, फिर सियासतदान धोखा करते हैं। मैंने ऐसे सियासतदान देखे हैं कि जो सिर्फ इसीलिए बैरून मुल्क आते हैं कि वो कैसे कुर्बानी, यानी किस को फंसाएं कि जो बड़ा जो है ना कोई पैसों वाला है उसको फंसाने के लिए उसको जाल फेंकते हैं कि भाई ये आपको ये दे देंगे वो, तो वह ऐसा फंसाते हैं कि उसको 10 रुपये देने के, यानी उसको एडवाइजर मशीर बना लिया होगा, अब मशीर की क्या तनख्वाह होगी भाई, $1,000 $2,000 चलो ठीक है, उससे करोड़ों ले लिए होंगे, 20-40 करोड़ ले लिए, अब भाई 2,000 अगर लाख 2 लाख है तो उसको क्या भाई वो 50 लाख भी नहीं कमाएगा 5 साल में, तो उसको 20 करोड़ का टिक्का लगा लिया। तो ये है हकीकत इस मुल्क, हमारे मुल्क के पाकिस्तान में, जिसमें मैं ओवरसीज़ भाइयों को कहता हूँ कि आपने कान खोल कर अपने जो है ना, आप कहते हैं कि पहले 2 महीनों में कभी इन्वेस्ट नहीं करना 1 रुपया भी, जो आपको पहले 2 महीने पाकिस्तान, आपको मैं कहता हूँ स्विट्ज़रलैंड लगेगा, अमेरिका लगेगा, कनाडा लगेगा,
लेकिन जब पहले 2 महीने गुजरेंगे ना, तो फिर आपकी आंखें खुलेंगे, पाकिस्तान है क्या। फिर आप अपने कानों को हाथ लगा कर भागे कि उसने धोखा दे दिया, इसने मुझे 2 नंबरी कर ली, इसने मुझे ये कर दिया वो कर दिया, तो जिंदगी अजाब बन जाएगी। इसलिए आप जो है ना, रोलिंग इन्वेस्टमेंट, कैश इन्वेस्टमेंट जिसमें आपका पैसा फंसे ना, स्टक इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना है। और बैरिया टाउन और जो है ना DHA के अलावा, मेरे ख्याल में अगर ना ही करें तो अच्छा है। किसी मेरे मैंने तो किसी को नहीं देखा खुश, कोई 100 में से 1 भी हुआ। फिर अगर आप बार करेंगे, आपका जो है ना, मैं बताऊंगे आपको पैसों की जरूरत है, आपको बिकेगा ही नहीं। आप क्या करेंगे भाई, सारी एक बेचारा गरीब बंदा 20 साल में थोड़ा पैसा कमाए, ऐसी जगह ले लिया प्लाट कि मरने के बाद क्या भाई काम, जिंदगी में ना आया तो बाद में क्या करना है। एंड यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस लाइफ, और दीन में भी आपको नुकसान होगा कि आपने दौलत कमाई और उसका वो सही जो है ना आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो ज़ाहिर है आपको क़यामत में दबा जवाब देना पड़ेगा। तो एंड रिजल्ट एंड कंक्लूजन ये, बैरियर टाउन DHA, इसके अलावा इन्वेस्ट नहीं करना है। क्या वो इन्वेस्ट करना है कि जिसमें आपको जब पैसा चाहिए तो आपको कोई चीज़ बिक जाए, ये 1 लाख में 1,000 रुपये वाली इन्वेस्ट करना है कि जिसमें आपको इनकम वाली इन्वेस्टमेंट हो, स्टक वाली कि भाई यहाँ प्रॉपर्टी बनी हुई है। मेरे दोस्तों मुसलमान हैं, आपको कुछ काम आने वाला नहीं है, वही काम आएगा जो आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया होगा और सही तरीके से आपने लगाया होगा और सही तरीके से उसके लिए जो है ना आपने, जिसको कहते हैं कि दुनिया और आखिरत के लिए कुछ सदका जारिया के लिए कुछ किया होगा। तो अल्लाह ताला आप और हमें विजन दे और ऐसी ताकत दे कि हम मिल के कुछ दीन के लिए काम कर सकें और दुनिया के लिए भी काम कर सकें। आपके जहन में जब दुनियादारी होगी तो दीन भी नहीं मिलेगा और दुनियादारी भी नहीं मिलेगी, और हमारे जहन में अल्लाह की रज़ा दीन हो, क्योंकि मुसलमान है तो फिर बरकत भी होगी, फिर आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला हिकमत भी देगा, तो फिर आप कामयाब भी होंगे। तो ये मेरी जो बातें हैं ओवरसीज़ मेरे भाइयों के लिए, तो इसको अपने जहन में रखना है, 100 बार सोचने हैं। अगेन मैं आपके कान खोलने के लिए कह रहा हूँ, पहले 2 महीने कोई 1 रुपए की इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप 1 महीना, चलो आपके पास 2 महीने के लिए छुट्टी जाए, 1 महीना कोई इन्वेस्टमेंट कोई चीज़ नहीं लेना है, पहले सर्वे करें, उसके बाद आंखें आपकी खुलेंगी। ऐसी इन्वेस्ट करेंगे जिसको आपको रिटर्न मिल जाए, और ऐसी इन्वेस्ट करेंगे जो इनकम वाली इन्वेस्टमेंट हो। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी अजाब होगी, और ऐसी अजाब होगी कि पैसे आप लगा कर भी कहेंगे मैं अल्लाह ताला अगर मेरे पास ये पैसे ना होते तो अच्छा था। ये भी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत दुखी होकर इस दुनिया से गए। अल्लाह ताला हमें और आपको जो है ना इल्म व अक्ल व हिकमत दे कि हम अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी बसर कर लगे। वालेकुम सलाम।